हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग अरे आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, खुश रहे, आबाद रहे। आज हम बना रहे हैं इंडिया की, ये महाराष्ट्र की डिश है ठेसा। इसको ठेसा बोलते हैं, ये हमारे अम्मी लोग बनाते थे वहाँ इंडिया में। तो मैं आज आपको वो बताना सिखा रही हूँ। इसके लिए हमने लिए है हरी मिर्च। ये हरी मिर्च है, 15 15 होंगे। और एक लहसुन, डेढ़ लहसुन, एक पूरा डेढ़ लहसुन की पोती है। और आपके पास रात का सालन में जो बच जाता है वो चिकन जो भी है, आप उसको रेशा रेशा कर ले और इस तरह से बना के रख ले। और साथ में बहुत सारा हरा धनिया, ठीक है। अब हम इतना बड़ा सा, मैंने एक कपड़ा तेल डाली हूँ उसके अंदर ये धनिया डाल और लहसुन। दाल के साथ, खिचड़ी के साथ खाते हैं हम लोग, बहुत शौक से खाते हैं इंडिया में। आप जो हमारे सास थे, खाला भी थे, वो भी बहुत शौक से खाते थे। उन्होंने बोलते थे आप ये बना के दो, आप घी में भी बना सकते हैं। अगर आप घी में तो कर सालन को तो वैसे गोश्त में ज़्यादा बनाएंगे, गोश्त जो बन जाता रात का उसमें बना लीजिए, या ऐसे रखा हुआ इसको बना लीजिए। पर बनाइए आप इस तरह से और इसको ऐसा रेशे कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हरी मिर्च और लहसुन ऐसा थोड़ा सा इसको हमने हल्का सा ऑयल डाल के कर लिया, जिसको मैं गिरने में अगर कुछ पीस लूँगी। नरम नहीं रखिए चिकन को, जब गोश्त थोड़ा सा लाल कर लीजिए फिर वो अच्छा लगता खाने में आता ना। अब इसको मैं इसको पीस लेती हूँ दूध अलग से। देखिए दोस्तों, अब ये लाल हो गया है चिकन, थोड़ा सा थोड़ा सा हो गया। अब इसके अंदर हम लोग ये हरी मिर्च और लहसुन को करके, लहसुन ज़्यादा रखे आप, लहसुन से ही मज़ा आता है, लहसुन और हरा धनिया ज़्यादा है। अरे हरी मिर्च आप कम रखें, लेकिन लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल दिया जाएगा। हरा धनिया डंडी और पनीर डाल दीजिए,
रोटी के साथ खाए और पराठे के साथ खाए, चावल के साथ खाए, दाल के साथ खाए, बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप जरूर ट्राई करें अपने घरों में। अब ये तैयार हो गया बनके। आज मैंने आलू गोश्त भी बनाई हूँ, आलू और चिकन मसाला, देख ले आलू और चिकन का सालन बनाई। बन गया, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ओके, और ये चूल्हा हमने बंद कर दिए। और आपको आज का फेसा कैसे लगा आप ज़रूर बताइए, और ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।